फिलहाल आपसे रूबरू करवाते हैं किसी आवाज का जिनका नाम है ऋषि वशिष्ठ। सीसीआरटी से ताल्लुक रखते हैं ये, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र से, और एक इवेंट होने वाला है उसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बबीता जी, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, उनकी तरफ से हम भी आपका प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करते हैं। जी और धन्यवाद। सर, आज जो भी कार्यक्रम होने वाला है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र से, हाँ आप जी हमें बताएं ताकि हमारे श्रोता लोग इससे रूबरू हो सकें। हाँ बबीता जी, देखिए आप जानते ही होंगे कि आज विजय दिवस है जी और पूरा देश विजय दिवस बहुत अच्छे से मना रहा है जी शहीदों को नमन करने के लिए। जी चूंकि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी जी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वैच्छिक संगठन है, स्वायत्त शासी संगठन है, जी हम हमेशा कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो विजय दिवस है, आज ही के दिन हमने एक एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, जी जिसके अंतर्गत हम ऐसे अननोन अनसंग हीरोज या प्लेसेस और इवेंट्स जी या हिडन ट्रेजर्स आर्ट ट्रेडिशंस पर कहानियां इकट्ठी कर रहे हैं जी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे, लेकिन संभवतः कुछ कारणों की वजह से उन्हें इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं मिल पाया या उनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जान पाए। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कई बार कि जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज होती हैं कहानियां केवल हम तक वही पहुंच पाती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस कहानी को किसी माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाता है। शायद ये माध्यम वही है सीसीआरटी द्वारा जी हमें उन अनसंग वॉरियर्स की कहानी सुनने को मिलेगी। जी आज ये जो नया टॉक शो हम लाइव हमारे सीसीआरटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से प्रसारित कर रहे हैं, जी इसका नाम भी हमने दिया है अमृत रत्न। जी क्योंकि अमृत काल में, अमृत आजादी के अमृत महोत्सव में जी हमने जो कहानियां इकट्ठी की हैं, वो जी कहानियां हम इस कार्यक्रम में शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने सुनने वालों से। और आज का जो एपिसोड है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैं सीसीआरटी के ट्रेन टीचर जी शिवाजी गोविंद राव मास्के, जो बुलडाना महाराष्ट्र से आते हैं ओ और जिन्होंने 2 महीने के अंतर्गत 2 महीने के अंदर अंदर 50 कहानियां जी इकट्ठी करके हमें भेजी हैं, और उनकी जो कहानियां हैं वो जो संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट है www.amritmahotsav.nic.in उस पर अपलोड भी हुई हैं। जी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सितंबर में एक कार्यशाला सीसीआरटी ने आयोजित की और उसके बाद से ये इतना मोटिवेट हुए, बाकी सब भी भेज रहे हैं जी लेकिन उन्होंने लगभग प्रतिदिन एक कहानी, और वो भी ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके घर जाकर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स से उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनसे वो सूचना एकत्रित करते हैं और हमें भेजते हैं। जी देखिए दो फायदे हैं, एक तो ऑथेंटिक सोर्स से हमें जानकारी मिल रही है, कहानियां मिल रही हैं, और दूसरे वो परिवार के जन भी खुश हो रहे हैं कि हमसे कोई मिलने आ रहा है हमारे पूर्वजों के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए, उनके जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है उसको सुनने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा सिलसिला एक सीसीआरटी ने आरंभ किया है और हम चाहते हैं कि हम सभी से ही शेयर करें। तो आज 7 बजे सीसीआरटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप सभी जुड़ें और उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां भी सुने जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान दिया, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, विजय दिवस मना रहे हैं। विजय दिवस सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये विजय दिवस केवल भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक नया सवेरा लेकर आया था। और मुझे लगता है कि ऐसी दिन यानी कि आज़ादी के जो दिन होते हैं ना, वो देखने के लिए सबसे बड़ा जो एक योगदान होता है वो हमारे सैनिकों को जाता है, और जो संग्राम उन्होंने लड़ा है वो कोई नहीं कर सकता, ऐसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, और इस कुर्बानी का सबसे बड़ा दिन आज हम मना रहे हैं। जी बिल्कुल जी,
बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि वशिष्ठ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें अमृत रत्न जैसे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और भारत क्योंकि अमृत महोत्सव मना रहा है तो अमृत रत्न की कहानी जो जुड़ने वाली है, अब सेलिब्रेशन हो रहा है कई अनसंग वॉरियर्स की कहानी को लोगों तक पहुंचाने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी जुड़िए इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि उन सभी शहीदों को नमन है, सच्ची श्रद्धांजलि है, देश के हित में देश को जोड़ने का कार्यक्रम है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएंगे और वो भी अपना योगदान देंगे, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने शहर से, अपने गांव से इस तरह की कहानियां एकत्रित करके CCRT को भेजेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जी। धन्यवाद आपका भी।